यो वैसे भाई कैसा गए गेम शो, क्या हाल चाल आप लोगों के? हियर आई एम बैक विद अनदर वी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कंग्रेचुलेशन। हाँ, तो मुझे पता है कि तुम लोग कच्ची खबरें सुन सुन के काफी ज्यादा बोर हो चुके होगे, तो फिर इसीलिए मैं आ चुका हूँ कुछ पक्की खबरें लेके जिन पे तुम लोग थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हो। पक्की खबरों में से सबसे पहले पक्की खबर आती है जो कि है फ्री फायर अनबैन को लेकर। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई फेक कोई क्या, सब लोग अपना अपना मार्केट व्यूज बना रहे हैं। सिचुएशन कैसी भी हो रुक नहीं रहा। और दूसरी बात तो ये है कि फ्री फायर की जो ऑडियंस है वो खुद ब खुद छोड़ के जा रही, जो कि उन लोगों को फ्री फायर को वापस लाने में उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, जो कि ऑडियंस को भी थोड़ी बहुत हेल्प कहीं ना कहीं करनी चाहिए फ्री फायर को वापस लाने में। लोग अपने गेम्स को स्विच करते जा रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई अब गेम में कुछ रहा नहीं है। भली बात तो सही है कि सीजन 2 सीजन 1 सब कुछ रिटर्न आ चुका है, खेलने के काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इश्यूज है, नेटवर्क इश्यूज है, हैकर है, ये है वो है, पर हमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए यार, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव होते जाएंगे फ्री फायर के साथ तो वैसे भी सचमुच का बैन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाएंगे फ्री फायर के साथ में तो मुझे नहीं लगता कि अनबैन हो। सो प्लीज़ अगर फ्री फायर को अनबैन चाहते हो तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाओ, उतना ज़्यादा नेगेटिव हेट वेट मत फैलाओ, गेम्स मत स्विच करो, थोड़े दिन रुको, आ जाएगा भाई आ जाए। सो प्लीज़ अगर फ्री फायर को अनबैन चाहते हो तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाओ, उतना ज़्यादा नेगेटिव हेट वेट मत फैलाओ, गेम्स मत स्विच करो, थोड़े दिन रुको, आ जाएगा भाई आ जाए। कुछ फिक्स चांसेस नहीं है, बट कहीं ना कहीं से कुछ लीक्स भी आई है जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि अपने फ्री फायर मॉडरेटर्स जो वो अपने सारे के सारे पार्टनर प्रोग्राम मेंबर्स के साथ में बातचीत चला रही है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे अपने गेम को और भी ज़्यादा स्मूथ रनिंग ऐसा कुछ बना सके। सो इससे मुझे लगता है कि अपने को थोड़ा बहुत फर्क पड़े जब गेम्स को वापस लेके आएंगे वो। इसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट साइज अपने को कम करना चाहिए क्योंकि ये लोग का टारगेट ही मोबाइल प्लेयर्स थे जो लो एंड डिवाइस वाले थे, बट ये लोग अब धीरे धीरे करके अपने साइज को, अपने एनिमेशन को, अपने सब कुछ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहे हैं कि नॉर्मल बंदा फ्री फायर को नहीं खेल पा। फायर के साथ रिटर्न आने वाली कुछ चीज़ें जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ नाम बता दूं, जैसे कि अपना पुराना पिंक डायमंड भी वापस आने के चांसेस है, अपना ओल्ड थीम सॉन्ग उसके भी आने के चांसेस है, लॉबी में जो ट्रीज गिराए जाते थे जिससे अपने को डायमंड्स मिलते थे वो भी आने के चांसेस है, और भी काफ़ी कुछ चीज़ों पर बात चल रही है, बट ऐसा कुछ फिक्स अपने हाथ में है नहीं क्योंकि ये जो भी बातें चल रही है सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम और मॉडरेटर्स के बीच में चल रही है, तो अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, ना तो अपन उतने बड़े यूट्यूबर है कि अपने पास व्यू है जो ऐसा कुछ होगा। मैं गरीब हूँ इसीलिए बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब करो यार, मेरे को भी थोड़ा आप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द अपना फ्री फायर रिटर्न आ जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें देख लो, और आगे बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाओ, अपना फ्री फायर जरूर आएगा। होप एवरीथिंग विल बी ओके एट द एंड, वी विल मीट इन दिस काइंड ऑफ अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड शो सम पॉजिटिविटी। बाय बाय।